Hello students, so once again we are here to help you in your journey of your competitive exam so that you can be passing your exam with flying colors. So aaj ka jo topic, the topic that we have chosen today is also very much relevant as far as your preparations are concerned. तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सिंटिलेटिंग है, ओवरवेमिंग है. तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक जो है वो भी आपकी प्रिपरेशंस में चार चांद लगाएगा. तो दोस्तों आपको पता है कि आज करंट अफेयर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने हमारी टीम ने निकाला है वो है IAF पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 एट डार्विन ऑस्ट्रेलिया. तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ऑस्ट्रेलियन जो रॉयल एयरफोर्स है, ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल एयरफोर्स है वो हर दो साल के बाद इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है और ऑस्ट्रेलिया और उसके जो फ्रेंडली नेशंस हैं वो इस एक्सरसाइज को हर दो साल में ये एक दिस एक्सरसाइज इज डन आफ्टर एवरी टू ईयर्स. तो 2018 में आपको बताना चाहूँगा इन 2018 ये एक्सरसाइज जो थी पिच ब्लैक, जो कि एक एयरफोर्स की संयुक्त एक एयरफोर्स का प्रयास रहता है और इस साल 2018 में इसको किया गया था लास्ट टाइम. सारे देशों की जो एयरफोर्स है वो वहाँ पे इकट्ठा होती है और आपस में जिसको कहते हैं युद्ध अभ्यास किया जाता है. तो आपको पता है इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपस में हर देश एक दूसरे को अपनी जो स्किल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, बताता है कि किस प्रकार की प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिनसे कि बैटलफील्ड में अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. तो आपको पता है भारत में भी कई बार इस प्रकार की एक्सरसाइजेस आयोजित की जाती हैं, थल सेना के लिए भी की जाती है, इन्फेंट्री के लिए, एयरफोर्स की भी होती है, नेवी की भी होती है. तो ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये हर दो साल में की जाती है और इसको कौन कंडक्ट करता है, RAAF दैट इज़ द रॉयल एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ये ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जाती है और इस साल आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में लास्ट टाइम हुई थी लेकिन उसके बाद 2020 में इसको होना था लेकिन क्योंकि उस टाइम कोविड का काफी प्रभाव हो गया था, कोविड के कारण इसको पोस्टपोन किया गया था और अब इसको कंडक्ट किया जा रहा है. तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जब भी कोई इस प्रकार की एक्सरसाइज हो, कोई युद्ध अभ्यास हो, तो आपको क्या करना है, आपको उस पर विशेष फोकस रखना है. तो इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है. तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों. डार्विन जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो डार्विन में 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है. यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है. यह लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर पर केंद्रित होगा. तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये मल्टीनेशनल एक एक्सरसाइज होती है जो हर दो साल में की जाती है और इसको होस्ट करने वाला आप जानते हैं RAAF दैट इज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको होस्ट करता है. तो अब की बार भी ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज, सारे प्रमुख जितने भी देश हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भारत की तरफ से भी जो हमारा दस्ता है एयरफोर्स का वो 4 सुखोई, आपको बताना चाहूँगा 4 सुखोई जो हमारे प्लेन हैं उनको लेकर हमारा एक कंटिंजेंट जो है एयरफोर्स का वो रवाना हो गया है, बल्कि पहुँच चुका है, ऑस्ट्रेलिया में पहुँच चुका है. तो बहुत ही इस प्रकार के जो युद्ध अभ्यास हैं वो देश जो है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको काफ़ी इन्हांस करते हैं क्योंकि जब सारे जो प्रमुख देश हैं वो इकट्ठा होती है वहाँ की मिलिट्री या एयरफोर्स और इस प्रकार की एक्सरसाइजेस की जाती हैं तो उससे फिर आने वाले समय में जो कहीं पर बैटलफील्ड में जो सामना करना पड़ता है दुश्मन का उसके लिए पहले से एक एक्सरसाइज हो जाती है और प्रमुख जितने भी देश हैं दुनिया के वो इस प्रकार की एक्सरसाइजेस को करते हैं. और हमारे एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही हैंडी होगी क्योंकि काफ़ी टफ सिचुएशंस में वहाँ जाकर इस प्रकार का अभ्यास एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वातावरण में
प्रतियोगी वातावरण में किया जाएगा, तो ये एयरफोर्स की स्किल्स को और भी आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार होगा। तो जैसा मैंने बताया कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है, इसमें 17 देश पार्टिसिपेंट्स हैं इस बार भी, और डार्विन में ऑस्ट्रेलिया में ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो जैसा बताया था मैंने कि पिछला संस्करण इसका जो हुआ था पिच ब्लैक का, वो 2018 में आयोजित किया गया था। अभ्यास का 2020 संस्करण जो था वो कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। इस वर्ष के अभ्यास में विभिन्न वायु सेनाओं के 100 से अधिक विमान और 2500 सैन्यकर्मी जो हैं वो भाग ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हमारी तरफ से भी, हमारी वायुसेना की तरफ से जो हमारे ग्रुप कैप्टन है YPS नेगी, उनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी जिसमें 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं, वो चार सुखोई, जैसे मैंने बताया, चार सुखोई 30 MKI लड़ाकू और दो CI-17 विमानों के साथ तैनात किया गया है। ये एक जटिल वातावरण में बहु डोमेन हवाई युद्ध मिशन करेंगे और भाग लेने वाली वायु सेना के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि इस प्रकार के जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं दोस्तों। भारत में भी इस प्रकार की एक्सरसाइज लगातार कंडक्ट की जाती हैं, और इसका रेलिवेंस इसलिए भी भारतीय एयरफोर्स के लिए बढ़ जाता है क्योंकि ये आजकल का जो वातावरण चल रहा है जिसमें यूक्रेन का भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इधर चाइना ताइवान में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस वातावरण में ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है कि हम आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए पहले से उसके लिए प्रैक्टिस करें और प्रिपेयर्ड रहें। तो यहाँ से क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने देखा है कि इस प्रकार के जो सामरिक टॉपिक्स से, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, PCS एग्जाम्स हो। तो यहाँ से आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई विद रॉयल एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें आप कहेंगे कि पिच ब्लैक जो है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आपको पिच ब्लैक पे भी एम्फसाइज करना है, और PCS लेवल पर क्या पूछा जा सकता है कि पिच ब्लैक जो एक एक्सरसाइज है ये कितने वर्षों में, कितने अंतराल के बाद इसको कंडक्ट किया जा सकता है, तो 2-3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 2 वर्ष के बाद इसको कंडक्ट किया जाता है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज जिसका होस्ट कौन है, रॉयल एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, हर 2 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। और क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसको कंडक्ट किया जाता है कि जो एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, और ताकि सारे देश जो भी ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंडली जो मित्र देश हैं वो आपस में एक दूसरे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको शेयर करें एक दूसरे से, और इस प्रकार की एक्सरसाइजेस की जाती हैं दोस्तों। तो इसका आप ध्यान रखें, एंड होपफुली दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू एज फार एज योर जर्नी ऑफ द कॉम्पिटिशन और ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज कंसर्न। So we will keep on posting this kind of valuable content to you. Our team at Augustu Learning is trying our level best to enhance your knowledge and your skills. Okay friends, we will meet again. Thank you.